ये है हाइपर राइडर का, थोड़ा सा यहाँ पे बीट अप हुआ है बट ठीक है, चलता है, काम करेगा। तो ये जो पार्ट है ये इन दोनों पे जाता है, ये दोनों नट्स पे। तो इसके साथ जो स्टॉक स्क्रूज आते हैं वही लगेंगे यहाँ पे चारों छेद में। तो लग गए ये चार स्क्रूज। ये कंपनी के साथ ही आते हैं, जो मतलब जिक्सर के साथ ही वाले हैं, जो जिक्सर में पहले से लगे थे जिस पे ये लगा हुआ था, वही वाले स्क्रूज यूज करने हैं। और स्टेनलेस ही है ये भी, जल्दी जल्दी खाएंगे मेरे को लगता। सो चार स्क्रूज पे ये लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे ये दो स्क्रूज हैं, इन दोनों स्क्रूज को निकालना है और इन दोनों स्क्रूज पे आएंगी ये ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट है इसको लगाने के लिए इन लोगों ने साथ में अंदर एक ब्लैक कलर का यहाँ पे स्पेसर जैसा दिया हुआ है, तो वो स्पेसर को लगाना मत भूलना गाइस। अभी वो दिख नहीं रहा है वीडियो में, अंदर लगी हुई है, दोनों साइड लगी हुई है, ये ब्लैक कलर की स्पेसर है। उन स्पेसर्स को लगाने का और एकदम बीच में रख के अच्छे से फिर ये नट्स टाइट करने। अब यहाँ पे जो पार्ट है ये इसको सपोर्ट दे सकता है इस रॉड की मदद से। सो ये हम लोगों ने अभी लूज फिटिंग किया है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से सब लगा दिए। ध्यान में रखना इसको ज़्यादा टाइट मत करना, क्योंकि फिर ये जो पट्टी है इसकी यहाँ पे फिटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो हर चीज़ हैंड टाइट और एडजस्ट करते करते यहाँ पे सब एक बार सब स्क्रूज हल्के हाथ से लगा देने दोनों साइड से। ये देख लो आप, ऐसे मुड़ के ऐसे अंदर जाता है, ये शॉर्ट पार्ट जो है मुड़ा हुआ वो यहाँ पे ऊपर रहेगा, वरना वो फेयरिंग को टच करेगा अंदर से। तो ये देखो अभी कैसे अच्छे से गैप है। फिर अभी सैडल स्टे लगाते हैं। ये मैं अभी सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि कैसे फिटिंग है इसकी, बाद में मैं इसको निकाल देने वाला हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा। जब बैग्स वगैरह आएंगे और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे तब यूज़ करेंगे, तब तक के लिए रहने देते हैं। सो अभी ये लगा के दिखाऊंगा, फिर ये ऐसे लगेंगे इस पर बैक रेस्ट, सब अभी हो जाएगा। अभी हम लोग लगा रहे हैं सैडल स्टे। तो ये जो ऑलरेडी जो माउंटेड पॉइंट्स आते हैं इसके ऊपर टॉप रैक के ऊपर, इसको ही यूज़ करना है इस पर सैडल स्टे लगाने के लिए। पकड़ोगे एक वॉशर, अंदर से एक वॉशर और फिर एक नट, ये लगा दिया है। गिरा गया कुछ, जैसा कि आप देख सकते हो ये नट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लगा हुआ है ये नट, नट के अंदर वॉशर है और फिर एक नट, ये मतलब ऐसा है, ठीक है। सो सैडल स्टे लगा दिया है, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, ये काफ़ी हैवी है, हैवी क्वालिटी है काफ़ी। बस थोड़ा अलाइनमेंट इश्यूज थोड़ा होता है, बट आई गेस सब लूज रहेगा तो आप उसको अच्छे से एक बार है ना सब बराबर जहाँ जहाँ लगना चाहिए वहाँ स्क्रू डालकर हल्के हल्के हाथ से आप फिर धीरे धीरे सब टाइट करते जाओ, हो जाएगा अच्छे से सब। और ये ऐसा लुक्स आ रहा है गाड़ी का, डबल स्टैंड पे है गाड़ी, उसके डबल स्टैंड पे भी एक वीडियो आएगा, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। यहाँ पे भी जो नट यूज हो रहा है इसको निकालना है, और एक स्पेशल नट मिला है येलोइश कलर का, ये वाला, ये यूज करना है वो निकाल कर। सो उसका आपको ध्यान देना है, और इसकी एक सपोर्ट भी आएगी जो पीछे, वो सपोर्ट वाली लगानी है अभी बाकी, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसको निकाल ही देना है, मैंने बस वीडियो के लिए इसको बना दिया था अभी के लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। सो अब इसको निकालते हैं वापस, या फिर अभी बैकरेस्ट लगा देते हैं, एक टोटल लुक लेते हैं कैसा आता है, फिर निकाल दूंगा मैं बाद में इसको दोनों को। सो बैकरेस्ट भी लगा दिया है, और कुछ ऐसा अभी लुक्स आ रहा है इसका। मैंने प्लास्टिक वास्टिक ज़्यादा हटाया नहीं है क्योंकि मैं इसको वापस पैक करके रख दूंगा। सो ये है कंप्लीट लुक, क्वालिटी अच्छी है पेंट वगैरह और इसकी, लेकिन थोड़ा और इन लोगों को वेल्डिंग्स वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, वेल्डिंग एंगल्स वगैरह पे, बट ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसको एकदम परफेक्टली बनाना भी हार्ड है। ये कुछ लुक्स है इसका, सामने से भी कुछ ऐसा है, टूरिंग रेडी हो गई गाड़ी तो।
बोलो अभी बस कहाँ जाना है। पिलियन का मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा जो ये है ये इसके थोड़ा आगे है, ये थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए था क्योंकि वैसे ही जगह कम है सीट पर। थोड़ा सा और बड़ा, अगर थोड़ा ही और पीछे होता तो सही होता। ये जो है ये थोड़ा और पीछे होना चाहिए था इसके साथ, बाकी तो बढ़िया है, परफेक्ट है, फिटिंग वगैरह सब सही है। सो अभी के लिए मैं सिर्फ ये दोनों चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। इसको मैं निकाल दूंगा, इसको मैं जब लॉन्ग राइड्स पे जाऊँगा सर तभी यूज़ करूँगा।